नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल्स। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज स्ट्रेटजीज बनाने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विस के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा। भूपेश जी नमस्कार। और काफी उठापटक वाला ये हफ्ता बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सोने चांदी से अगर शुरुआत करें तो कुछ डिक्लाइंस अभी भी हैं करंट लेवल्स पे। क्या खरीदने की राय है या फिर आपको लगता है अभी भी कुछ गिरावट बाकी है? जी नमस्कार मनीषा जी, सोने और चांदी की बात करें तो एक अच्छी खासी गिरावट आने के बाद बाजारों में एक कंसोलिडेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाजार में वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन का लैकलस्टर है अभी, परंतु वहीं अगर चार्ट पर देखा जाए तो चार्ट पर एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है बाजारों में। तो 79,400 के ऊपर चांदी निकलती है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए और इसका स्टॉप लॉस 78,800 का रहेगा। अपसाइड में 80,100 और 80,800 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर सोने की बात करी जाए तो 69,200 के ऊपर बाजार निकलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। वहीं स्टॉप लॉस इसका 68,900 का रहेगा। अपसाइड में 69,450 और 69,590 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। साथ ही अगर मेटल्स की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाईज या अपने मल्टी मंथ हाईज जो हमने इसी साल में छूते हुए देखे थे, भूपेश जी वहां से ज्यादातर मेटल्स अब 20%, 22%, even 25% की गिरावट दिखा चुके हैं। आज हल्की सी खरीदारी हमने जिंक में, कुछ बहुत कॉपर में आते हुए देखी है, यहाँ पर अब क्या करने की राय? जी कॉपर के बाजार में एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर 774 के ऊपर निकल कर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ से बाजार में 786 और 805 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि 774 क्रॉस करने पर कॉपर में एंट्री की जाए, जिसके स्टॉप लॉस 768 के रखे जाने चाहिए। साथ ही साथ अगर एनर्जी मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी क्रूड में हमने देर रात कल अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी थी, आपको चार्ट्स पर अब ये कैसा लगता है? जी क्रूड में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक अच्छा पुलबैक देखने को मिला है। मुझे लगता है कि 6,295 का जो करंट दाम है उस पर क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 6,350 के ऊपर के रहेंगे, नीचे में 6,250 और 6,210 के लक्ष्य इंट्राडे में संभावित रहेंगे। वहीं अगर पोजिशनल अगर विचार करें तो 6,050 तक के लक्ष्य इसमें आने वाले समय में देखे जा सकते हैं एक बार को। ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं यहाँ पर नॉन एग्री स्पेस के लिए, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो अपने दर्शकों को अपने साथ हम जोड़ेंगे, लेंगे उनके भी सवाल।